हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल A1 एडवांस क्लासेस में। दोस्तों, TGT PGT मैथ के अंतर्गत आज हम आप मैट्रिक्स तो पढ़ चुके हैं, आज हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। वैसे ऑब्व्यू का ही पार्ट डिटरमिनेंट होता है, तो आज हम डिटरमिनेंट के कुछ बेसिक रूल्स, कुछ फार्मूले, कुछ उसके प्रॉपर्टी को समझेंगे, जानेंगे। इसके बाद हम TGT PGT में प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्नों का हल करेंगे। देखते हैं कि हम लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। चलिए, पहले बात तो सारणिक होता क्या है पहले वो जान जाइए। इंग्लिश में डिटरमिनेंट बोलते हैं, सिंपल है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह, देखो यहाँ मैट्रिक्स की बात बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए के लिए ए के संगत एक संख्या का अस्तित्व है जो कि वर्ग आव्यूह ए का सारणी कहलाता है। यानी कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेंगे, उसका अस्तित्व तभी होगा जब उसका वर्ग आव्यूह ए का हम क्या निकालेंगे, कोई एक निश्चित मान निकालेंगे, तो उसे हम लोग क्या करते हैं बेटा, सारणी। उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिटरमिनेंट ए ऐसे, ए मैट्रिक्स है, नॉट मॉड, ए मैट्रिक्स, सॉरी, ए डिटरमिनेंट का सिंबल है, तो इसे पढ़ते हैं बेटा। डिटरमिनेंट ए मैंने यहाँ लिखा भी है, या हिंदी में सारणी के पढ़ो या क्या पढ़ते हैं बेटा, डिटरमिनेंट ए, ठीक है। इसे DET से प्रदर्शित किया जाता है, पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ए, ठीक है। चलिए कुछ बेसिक बात पढ़ते हैं बेटा, देखते हैं क्या है। क्या बोल रहा है, चलिए देखिए थोड़ा सा, ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि कोई वर्ग आव्यूह का सारणी निकालना है, तो जैसे मैंने 2x2 मैट्रिक्स का कोई मैंने आव्यूह लिया हुआ है, इसका आपको सारणी निकालना है। तो एग्जांपल के तौर पर देखें कि ये जो है एक कोटि का वर्ग आव्यूह है, एक कोटि के वर्ग आव्यूह का क्या करेंगे, सारणी निकालना है। तो सिंपल सी, जो उसका एलिमेंट होता है वही उसकी वैल्यू होती है। इसमें कोई, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स मैंने बी लिया है और यहाँ पर मैंने 5 ले लिया है, मैंने इसका पूछा कि सारणी बताइए, तो आप इसको कैसे बता सकते हैं, तो इसे लिखेंगे डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 5, और डिटरमिनेंट 5 का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो एक कोटि के वर्ग के लिए, यानी 1x1 का कोई मैट्रिक्स है, तो उसके लिए सारणी का मान वही होता है। तो इसमें कोई विशेष समझने वाली बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 2x2 कोटि का होता, अगर कोई भी वर्ग मैट्रिक्स हो, अगर 2x2 कोटि का होगा, तब इसका डिटरमिनेंट कैसे ज्ञात करेंगे, तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, इसका तिर्यक का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 का मल्टीप्लाई 5 में, और फिर 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में। तो 1 × 5 आएगा, और 4 × 2 क्या आएगा, 8, और घटा देंगे बेटा तो क्या आएगा, माइनस का 3। इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, जब 4 का मल्टीप्लाई 2 में करने लगेंगे तो हम माइनस सिंबल लगा के ही हल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। कुछ नोट्स हैं, चलिए देखते हैं। पहला नोट्स क्या है भाई, कि केवल वर्ग आव्यूह का ही सारणी आप निकाल सकते हैं, और इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स है तो उसका सारणी निकालना संभव नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, तब ए का डिटरमिनेंट को आव्यूह ए का सारणी कहते हैं, और ए का सारणी कहते हैं मापांक, नहीं, कभी आप ध्यान रखें, मापांक का भी सिंबल ऐसे ही होता है, तो इसे मापांक नहीं बोल के हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको
डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा आप सब। कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी ऐसे लिखा रहता है, तो समझ में आना चाहिए कि मापांक नहीं है ये, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ए है, इस बात को आप समझें। तीसरा नोट्स क्या है भाई, देखें, वर्ग आव्यूह के अतिरिक्त अन्य किसी भी सारणी अन्य किसी का सारणिक नहीं होता, यानी वर्ग आव्यूह के अलावा कोई और मैट्रिक्स है तो उसका सारणिक आप ज्ञात नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर समझाना चाहें कि मैं कोई मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ, जैसे यहाँ 1, 2, 1, 2, 3 ले लिया, तो ये मैट्रिक्स है, लेकिन इसका हम अगर डिटर्मिनेंट पूछें कि भाई इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको हल नहीं कर सकते आप, क्योंकि 1, 2, 3 को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। चौथा है, सारणी का किसी पंक्ति या स्तंभ के अनुदेश प्रसार करने पर उसका मान नहीं बदलता, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको हम समझाना चाहूँ, तो देखिए इनके कहने का मतलब यह है, ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, मैंने ये मैट्रिक्स ले रखा है, और इसका डिटर्मिनेंट आपसे पूछेगा, तो चाहे आप रो लेके हल करें, चाहे आप कॉलम लेके हल करें, दोनों स्थिति में रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मैं कॉलम लेके हल कर रहा हूँ, तो 1 को पकड़ेंगे, ठीक है, तो 1 को लेते हैं, तो 1 का जो कॉलम होता है, 1 का जो रो होता है, वो आपस में क्या होते हैं, कट जाएंगे। मैं एग्जांपल के रूप में मैं इसको ढक लूँ, तो 1, 2, 3 ए 1 को ले रहे हैं, तो 1 का जो कॉलम होगा, 1 का जो रो होगा, वो दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे 5, 6 और 8, 9, इनका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 5, 45 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8, 6, 48, ठीक है, माइनस। तो फिर 2 को लेके हल करेंगे, तो 2 को लेके हल करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका कालम कटेगा, इसका रो कटेगा, तो 4 × 9 में 4×9 = 36 माइनस 7×6 = 42, फिर प्लस इसको लेके हल करेंगे तो 3 आएगा, एक कट होगा तो 8×6 = 32 और 7×5 = 35। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जो आएगा रिजल्ट। अगर आप कॉलम लेके हल कर सकते थे, सॉरी रो लेके हल कर सकते थे, तब भी रिजल्ट वही आएगा, चेक कर सकते हैं आप। इसका रिजल्ट आएगा माइनस का 3, 7×6 = 42 यानी 6 आएगा, और 6×2 = 12, प्लस कितना आएगा 12, और यहाँ आएगा माइनस का 9, ठीक है। देखो 35 में से 32 घटाएंगे, माइनस का 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो -9। अब इसको हल कर लेंगे, रिजल्ट क्या आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। अब ये तो ए हो गया। अगर आप रो लेके हल करें, देखो क्या होगा, 1 को पकड़ेंगे तो ये कट करेंगे तो क्या आएगा, 9×5 = 45 आएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 8×6 = 48 आएगा। फिर माइनस ले लेना है दूसरा, तो 4 है। अब ए वाला कटेगा तो 9×2 = 18 आएगा, माइनस 8×3 करेंगे तो 8×3 = 24, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 7 लेके हल करेंगे तो इसका रो कटेगा, इसका कॉलम कटेगा, तो 6×12 हो जाएगा, -5×3 = 15। हल करते हैं, देखिए कितना आता है, 48 में से 45 घटाएंगे, -3, और 24 में से 18 घटाएंगे, -6, और -6 × 6 = 6×24 = 24, और प्लस -3 और 7×3 = 21, -21। हल करेंगे तो -24 + 24 = कितना आएगा, 0। तो आप चाहे रो लेके हल करें, चाहे कॉलम लेके हल करें, साड़ी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आई होप कि आप समझ में आया होगा आपको बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उपसारणिक क्या होता है, माइनर डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल है, माइनर डिटर्मिनेंट का मतलब होता है भाई कि जैसे मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 इसका माइनर मैंने उपसारणी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो इसके उपसारणी को जैसे सपोज करो कि मैंने A11 लिया, A11 का मतलब क्या है, पहला रो पहला कलम, तो पहला रो पहला कलम का जब उपसारणी बनाएंगे तो क्या होगा, इसका रो कटेगा, इसका कलम मतलब कलम और रो दोनों काट दीजिए, तो यहाँ बचा कितना, यहाँ बचेगा 5, 6, 8, 9 ठीक है। तो मैट्रिक्स ए का A11 हुआ। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि A12 का बताओ, तो A12 क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम कौन हुआ, तो जो पहला रो दूसरा कॉलम है ये दो है, दो का उपसारणी बनाएंगे बेटा तो इसका रो कट जाएगा, इसका कॉलम, तो इसका बचा क्या है देख लेंगे, तो ये बचा है बेटा 4, 6, 7, 9। इसी प्रकार से आपसे कहेगा कि A13 बताइए, तो क्या बताएंगे, A13 सिंपल सा है, लॉजिक देख लेंगे। अब तीसरा कॉलम और रोक पहला रो काट देंगे तो क्या बचेगा, 4, 5, 7, 8 4, 5, 7, 8 ठीक है। इसी प्रकार से आप दूसरा रो लेके चालू करेंगे, तो दूसरा रो पहला कॉलम करें तो दूसरा रो पहला कॉलम कटेगा तो 2, 3 बचेगा, 8, 9 बचेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा 2, 3 और 8, 9 बचेगा, और 2, 2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताइए, तो 2, 2 निकालना है तो ए कटेगा तो 1, 3, 7, 9 बचेगा, 1, 3, 7, 9। इसी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। आई होप कि बातें समझ में आई होंगी आपको, क्योंकि उपसारणिक आपको बेसिक है, आपको पता होगा ये सब रूल, हम सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं, एक बार आपके माइंड में बैठा दे रहे हैं कि भाई ऐसे किया जाता है, ठीक है, जिससे आप की जो नॉलेज है वो तरोताज़ा हो जाए, बाकी तो आप खुद समझदार हैं कर सकते हैं। तो एक कट होगा तो 1, 2 होगा और क्या होगा 7, 8। इसी प्रकार से तीसरा रो पहला कॉलम को लेकर हल कर सकते हैं। तो आई होप की बातें आपको समझ में आई होंगी, तो इसे उपसारणी कहते हैं। अभी जैसे कि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसके जब उपसारणी बनेंगे तो इसमें जितने एलिमेंट होते हैं सबका बनता है, तो मैंने 6 का बना रखा है, लास्ट का बचा है, सो आप कर लेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो देख लीजिए। 3, 1 लेना है तो कैसे करेंगे, तो ए वाला कट 2, 3 5, 6 आएगा, 2, 3, 5, 6 आएगा। इसी प्रकार से 3, 2 करेंगे तो क्या आएगा भाई, 3, 2 एक कट 1, 3 आएगा, 4, 6 1, 3, 4, 6 ऐसे 3, 3 करेंगे तो क्या आएगा, तो 3, 3 वाले में क्या होगा, ठीक है 1, 2, 4, 5 होगा, 1, 2, 4, 5 ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स ए का जो उपसारणिक होगा ये होगा, सो आप बना सकते हैं। सॉरी मैंने मैट्रिक्स का सिंबल लगा रखा है, आप सारणी का सिंबल लगा लीजिएगा, थोड़ा सा इसको संशोधन कर लेंगे, मुझसे मिस्टेक हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, सारणी के गुणधर्म क्या होते हैं थोड़ा सा वो जान जाए। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना प्रॉपर्टीज पर आधारित होते हैं, बेसिक बातें तो सबको पता होती है, लेकिन प्रॉपर्टी अगर आपके माइंड में रहेगा तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन हल करने में हम लोगों का समय बचता है और क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो क्या है भाई सारणी के गुणधर्म है, तो सारणी के गुणधर्म में जो पहला गुणधर्म है कि अगर किसी मैट्रिक्स के साथ k का मल्टीप्लाई करके उनका सारणिक निकालो तो उसका जो रिजल्ट आएगा, अगर उसका रिजल्ट आता है k^n डिटर्मिनेंट a। अभी k n क्या है भाई, n क्या है, तो n क्या होता है कि a आपने जो मैट्रिक्स ले रखा है उसकी कोट क्या है, वो है जैसे 2x2 की है कि 3x3 की है कि 4x4 की है, जो भी रहेगा हम वहाँ पर n की वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि कोई मैंने मैट्रिक्स ले लिया, लिया है 1, 2, 3, 4 सपोज कर लो मैंने ये ले रखा है, तो इसके आर्डर कितने हैं 2x2 के हैं, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 ए का डिटर्मिनेंट बताओ, तो आप कैसे बताएंगे, तो 5 ए का डिटर्मिनेंट बताना है तो 5^n क्या करेंगे, फॉर्म देखिए प्रॉपर्टी क्या है, k^n है यानी 5 के पावर क्या करेंगे 2,
और डिटरमिनेंट ए, तो 5 के पावर 2 का मतलब क्या होगा 25, और डिटरमिनेंट ए मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 एक कम 4, 3 दूनी 6, हल करेंगे तो बेटा 25 और गुणे माइनस का 2, तो आएगा आंसर माइनस का कितना 50। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5 ए का डिटरमिनेंट करना है तो वह कितना आएगा -50। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि -50 है तो पहले आप 5 ए निकाल लीजिए, तो इसमें 5 का गुणा करिए, देखिए कितना आता है 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा और 20 आएगा, सही है। 5 का सब में गुणा कर देंगे तो 5, 10, 15, 20, चलिए गुणा करते हैं तो 20 पंजे 100 माइनस 15 दहा में 150, घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 50। तो आई होप की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, तो हम बाय दिस प्रॉपर्टी आप इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए भाई अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर ए के पावर एम का डिटरमिनेंट निकाला जाए तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, डिटरमिनेंट ए के पावर एम, जैसे मैं कोई भी एक छोटा सा सवाल ही लेकर समझा रहा हूँ, ए बराबर जैसे दे दिया 1, 2, 3, 4, सही है, और हमने कह दिया कि डिटरमिनेंट ए के पावर 5 की वैल्यू बताइए कितना आएगा। तो अगर आप इसका 5 करेंगे तो बहुत समय जाएगा भाई, ए स्क्वायर फिन स्क्वायर का फिन स्क्वायर करेंगे, फिन मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बाय दिस प्रॉपर्टी निकालेंगे तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो सकता है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 एक कम 4, 3 दूनी 6, डिटरमिनेंट यही आएगा, ठीक है, और 6 में से घटाएंगे तो -2। अब फॉर्मूला क्या है, पावर एम कर दो तो एम का मान कितना है 5, तो आपका जो रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा कितना आएगा 32, तो आपका आंसर ये आएगा। तो आप समझते रहें जिससे हम लोगों को क्वेश्चन करने में कोई समस्या ना आए बाद में। आगे देखते हैं भाई तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स आपको गिवन हो ए और बी, उनका मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालना हो तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि उनका अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी आप कह सकते हो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, ठीक, या उसका चाहे बी इंटू ए करना हो तब भी ऐसे ही हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, चौथी प्रॉपर्टी आपकी क्या है भाई, तो चौथी प्रॉपर्टी है यदि ए कोई मैट्रिक्स है उसका डायगोनल क्या है भाई, a1 a22 a33, ऐसे करते हुए anm है, n कोटि का विकर्ण मैट्रिक्स हो तो उसका डिटरमिनेंट जो निकालेंगे उनके डायगोनल का सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, उनके डायगोनल का कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या होता है जैसे 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 3 कर दिया, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इन तीनों का आपस में गुणा कर दें क्या है 1 × 2 × 3, तो क्या आएगा रिजल्ट 6, थोड़ा हल करके देखें कि 6 आता है कि नहीं आता है। चलिए हल करके देखते हैं बेटा क्या आएगा, 1 को पकड़ेंगे, a कट, इसका गुणा इसमें करेंगे 6 माइनस 0, अब बाकी इसका इसका लेंगे तो 0, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ओनली कितना आएगा 6। तो बहुत सिंपल है कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो उनके विकर्णों का आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप कि समझ पा रहे होंगे आप सब। तो दोस्तों आप ध्यान से वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें, मैं एज ए रिविजन समझा रहा हूँ, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है फरवरी या मार्च या फरवरी तक आपके TGT PGT के एग्ज़ाम होने के आसार दिख रहे हैं, जैसे सूत्रों से पता चल रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग इलाहाबाद वगैरह हैं तो नई शिक्षा सेवा चयन का जो गठन हुआ है तो वहाँ रहते हैं सभी बच्चे, तो वहाँ फ़ोन करके बताते हैं कि भाई ऐसे उम्मीद लग रही है फरवरी और मार्च में, तो उसी को टारगेट बनाते हुए हम लोग पढ़ेंगे। मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, इसमें से आप देखेंगे तो TGT PGT में कम से कम चार क्वेश्चन तो रहते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, तो हमारा पक्का हो जाए 3 से 4
प्रश्न तो अच्छा है, देखते ही और ज़्यादातर प्रॉपर्टी होते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो इंटर बेस पर तो है लेकिन जब हल करना बैठते हैं तो दिमाग में नहीं आता। इंटर में अब पुस्तक आपकी पुरानी वाली पुस्तकों में मिल जाते थे मैटर, लेकिन अब नई बुकों में जल्दी मिलते नहीं हैं, शॉर्ट कर दिया है, और जो शॉर्ट कर दिया है तो समस्या है, इसलिए हम क्वेश्चन को छांट के लाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है। अब हमको सखंडस पढ़ना है भाई, सिंपल सा है, सखंडस को एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स होता क्या है। पहले यही बता देते हैं कि एडजॉइंट निकालते कैसे हैं, तो सिंपल सा है, जब मैं छोटा सा मैट्रिक्स ले रहा हूँ, क्योंकि बड़ा मैट्रिक्स ले लूँगा तो ज़्यादा समय भी जाएगा और मैटर भी ज़्यादा लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने कोई ले लिया ए बी सी डी, ठीक है, मैंने कोई मैट्रिक्स लिया है, इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले इसका सखंडस करना पड़ेगा, मतलब उप साड़ी निकालना पड़ेगा, फिर उसका सखंडस। तो पहले चलिए देखते हैं, पहले तो हमको ए वन वन या इसे लिखते हैं ना, ए लिख देते हैं, ए वन वन से लिखते हैं। तो ये स्टार जो होती है ना, वैसे तो रूल होता है माइनस वन के पावर एन होता है, फिर डिटर्मिनेंट ए होता है, लेकिन हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि प्लस से स्टार्ट करना होता है और प्लस में ही एंड होता है। तो ये प्लस होगा तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, माइनस। तो ध्यान रखिएगा कि ये पहला रो पहला कॉलम है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टू आएगा, टू क्या है सम, और सम संख्या रहेगा तो प्लस लेना है, विषम संख्या जोड़ने पर आएगा, यानी ऑर्डर को जोड़ने पर विषम संख्या आएगा तो माइनस लेंगे। हम समझा रहे हैं, देखिए जैसे पहला रो पहला कॉलम पकड़ना है तो क्या कर सकते हैं, तो इसका कॉलम काट देना, इसका रो काट देंगे तो बचेगा क्या, डी। तो पहला रो पहला कॉलम यानी वन और वन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टू, सम है तो प्लस लिखें। अब देखें टू वन लिखो, टू वन क्या होगा, टू वन दूसरा सॉरी वन टू लेना है ना, वन टू लेना है, तो पहला रो दूसरा कॉलम लेंगे तो ए है तो ए कट होगा, ए कट होगा तो क्या आएगा, सी, लेकिन वन और टू जोड़ेंगे तो थ्री आएगा, थ्री विषम संख्या है तो यहाँ क्या देंगे, माइनस। अब यहाँ देखिए टू वन निकालें, दूसरा रो पहला कॉलम तो ए कट होगा, ए कट होगा तो यहाँ क्या आएगा रिजल्ट में, बी, लेकिन दो और एक जोड़ेंगे तो तीन आएगा, पुनः माइनस आएगा तो यहाँ माइनस लिख लेंगे। अब ए टू टू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ए टू टू निकालने के लिए तो दूसरा रो दूसरा कॉलम काटेंगे तो क्या आएगा, ए, और दो प्लस दो चार होता है, सम संख्या है तो इसको ए, तो एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे बी। अब इन सभी उप साड़ी को इसमें रख देंगे तो ये क्या है, ए डी है, ए माइनस का, ए माइनस का सी है, और ये क्या है, माइनस का बी, ये क्या है, ए। ठीक है, अब हमें निकालना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट लिखा कैसे जाता है, ए डी जे लिखा जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज तो आपने बी बनाया है, तो बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा, तो रो को कॉलम कर दो, तो डी माइनस का सी माइनस का बी और ए, ठीक है, तो ए आपका एडजॉइंट ए निकल जाएगा, सही है। चलिए आगे देखते हैं, तेज हमारे जल्दी जल्दी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सखंडस मैट्रिक्स के क्या पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी, तो देखो ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे तो इस, या एडजॉइंट ए इंटू ए करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, आई एन क्या है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे देखें प्रॉपर्टी नंबर टू क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ए के पावर एन आएगा। अब खाली एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ए के पावर में आएगा एन माइनस वन, ठीक है, और कभी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी है एडजॉइंट के ए, मतलब के कोई कांस्टेंट है इसका ए में मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे के की पावर एन माइनस वन करेंगे फिर एडजॉइंट ए करेंगे। और पाँचवीं प्रॉपर्टी देखिए भाई क्या है,
पांचवी प्रॉपर्टी है एडजॉइंट का ट्रांसपोज है, मतलब ए की पावर टी है, यानी ए का ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज कर लो तो वही रिजल्ट आएगा। यदि ए बराबर जीरो हो तो एडजॉइंट ए का मान भी क्या होगा, जीरो। अगर ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हो तो पुनः वही आएगा, आयन ही आएगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। यहाँ देखें एडजॉइंट ए के पावर एम का एडजॉइंट निकालेंगे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ए के पावर एम, एडजॉइंट मतलब ए बी का एडजॉइंट करेंगे तो एक अर्थ लिख सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी। ए बी क्या होंगे, समान कोटि के क्या होना चाहिए मैट्रिक्स, यानी हमने ए को मतलब 2x2 का मैट्रिक्स लिया तो बी भी 2x2 का लेना होगा। ऐसा नहीं है कि इसको 1x2 ले लो तो 2x2 तो उसको 2x3 ले लें, तो ये नहीं कर पाएंगे, तब नहीं हल हो पाएगा। आगे देखें एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालेंगे तो एक डिटर्मिनेंट ए के पावर एन माइनस टू इंटू ए आएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोगों को प्रतिलोम मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स पढ़ना है। जैसे आप ए का प्रतिलोम क्या होता है, ए इनवर्स, आप नाम सुने होंगे ए इनवर्स निकालते हैं, तो देखो क्या रिजल्ट है। मैंने डिफिनीशन थोड़ा सा लिख रखा है, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स है अगर यन क्रम का वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाएगा, यदि यन क्रम के ऐसे वर्ग आव्यूह बी का अस्तित्व हो कि ए बी या बी ए बराबर हो और यह इक्वल टू कितने के हो, आई एन के, जहां आई एन क्या होगा एन क्रम का इकाई आव्यूह होगा, तो आव्यूह बी को आव्यूह ए का क्या कहेंगे, प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह कहेंगे। इसे ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, फार्मूला होता है ए इनवर्स का एडजॉइंट ए अपान में डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो आ जाएगा तो ए इनवर्स व्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, तब उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रतिलोम मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्म हैं देख लेंगे। मान लेंगे कोई मैट्रिक्स है, यह ए है जो एन कोटि का व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो ए इंटू ए इनवर्स करेंगे या ए इनवर्स इंटू ए करेंगे, किसके इक्वल आएगा, आई एन के। दूसरी प्रॉपर्टी है ए इनवर्स का इनवर्स निकालते हैं तो पुनः वही ए आएगा। ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालते हैं तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा भाई। ए के पावर के का इनवर्स निकालते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ए इनवर्स का पावर के कर दो, दोनों के रिजल्ट सेम होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टी, ए बी सी तीन मैट्रिक्स है और इनका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको इनवर्स मैंने उल्टा करके लिखेंगे, ए सी के पावर माइनस सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या है, ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालें या एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालें, दोनों का रिजल्ट सेम है। अगर डिटर्मिनेंट का मान जीरो हो तो थोड़ा उत्क्रमण लिखा है, उत्क्रमणी नियम है, हो तो ए बी ए ए बराबर ए सी है तो बी बराबर क्या होगा, सी के, ठीक है। यदि ए इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स ए बी सी हो तो इसका इनवर्स जब फाइंड आउट करेंगे तो ए क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स, ठीक। अगला जो प्रॉपर्टी है, यदि ए व्युत्क्रमणीय सममित आव्यूह है तब ए इनवर्स भी सममित होगा। अगर विषम क्रम का प्रत्येक विषम सममित आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी के कुछ और छोटे मोटे प्रॉपर्टी हैं जो कल के वीडियो यानी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।